सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जो पोषण ट्रैकर ऐप से रिकॉर्डिंग वीडियो बनाई गई है। जो पोषण ट्रैकर ऐप का ये 15.5 का अपडेट आया है, इसमें यह बताया जा रहा है कि 15.5 का अपडेट आने के बाद भी आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पर किसी भी लाभार्थी को डिलीट कर सकते हैं। देखिए, ये सच्चाई नहीं है। अगर आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप 15.5 अपडेट कर चुके हैं तो आप लोग किसी भी लाभार्थी को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये पोषण ट्रैकर ऐप का जो 15.5 का अपडेट आया था, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप लोग 15.5 को अपडेट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोग अगर किसी लाभार्थी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले लाभार्थी को डिलीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग 15.5 का अपडेट कीजिए। तो उस टाइम क्या था कि बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो है वो 15.5 अपडेट करने से पहले लाभार्थी एक्स्ट्रा थे या किसी भी कारण उसको डिलीट करना था, उसको उन्होंने डिलीट किया, फिर 15.5 को अपडेट किया। तो अभी भी बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों को पोषण ट्रैकर ऐप में जो डिलीट करने का ऑप्शन हटा दिया गया है, उससे बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों को अभी परेशानी हो रही है कि कोई भी लाभार्थी डिलीट नहीं हो पा रहा है। देखिए, उन्होंने उस वीडियो में बताया है कि आप पोषण ट्रैकर ऐप का जो ये न्यू वर्जन है 15.5, अगर आप लोग इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं और कोई भी पुराना वाला वर्जन जैसे कि 15.2.1 या 15.4 वाला ऐप को आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप लोग वहां पे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। जो पुराना वाला वर्जन है, अगर आप लोग उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको एक मैसेज शो करेगा कि प्लीज अपडेट योर ऐप एंड कंटिन्यू वर्क। कहने का मतलब है कि आप लोग पुराने वाले वर्जन में जाके किसी भी तरह का जो बदलाव है वो नहीं कर पाएंगे, जो नया वाला वर्जन है उसी पे आप लोग को काम करना है। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कई प्रकार के जो नए नए रूल है वो पोषण ट्रैकर ऐप पे आ रहे हैं। तो अब आप लोग इतना समझ लीजिए कि पोषण ट्रैकर ऐप का ये जो 15.5 का अपडेट आया है, जिसमें कि जो लाभार्थी का डिलीट करने का ऑप्शन है वो हटा दिया गया है, तो फिलहाल अभी आप लोग किसी भी लाभार्थी को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको वो जो पुराना वाला वर्जन है उस वर्जन पे भी ले जाके दिखाऊंगा कि वहाँ पे लॉगिन करने पे क्या समस्या दिखा रही है। तो देखिए, अगर आप लोगों को अभी इस प्रकार की समस्या हो रही है तो अभी आप लोगों को क्या करना है, फिलहाल वेट कर लेना है। जैसे कि विभाग वाले चाहेंगे तो अगर हो सकता है कि अगले कुछ अपडेट तक आप लोगों को फिर से पोषण ट्रैकर ऐप में जो डिलीट करने वाला ऑप्शन है उसको ऐड कर दिया जाए। फिलहाल अभी कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप लोग किसी लाभार्थी को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से सही जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, हमारा ये मकसद नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना। मैं चाहता हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप से रिकॉर्डिंग या आंगनबाड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी हो वो सही दिया जाए। तो चलिए, चलते हैं उस ऐप की ओर। तो देखिए, ये जो पुराना वाला वर्जन है उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये जो वर्जन है वो 15.4 का वर्जन है। चलिए, मैं यहाँ पे अब लॉगिन करके दिखाता हूँ कि क्या समस्या आ रही है। तो हमने यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन किया है। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वर्जन है वो 15.4 का वर्जन नीचे में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूँगा और यहाँ पे एम पिन डालूँगा और डालने के बाद आपको दिखाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देखिए लिख क्या रहा है, प्लीज़ अपडेट ऐप टू न्यू वर्जन टू कंटिन्यू वर्क। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग पुराने वाले वर्जन में जाके कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो गलत जानकारी है वो आंगनबाड़ी बहनों को ना दिया जाए, जो सही जानकारी है वही आंगनबाड़ी बहनों तक पहुँचाया जाए। तो ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि पुराने वाले वर्जन में जाके आप लोग किसी भी लाभार्थी को डिलीट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।